मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा परवान चढ़ने लगा है, जिसको लेकर सियासी धरा पर सामाजिक कार्यक्रमों की बयार चल रही है। मध्य प्रदेश के सतना में एक ऐसा ही कार्यक्रम बीटीआई ग्राउंड में पिछड़ा वर्ग का महासम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा के स्वर्गीय पिता पूर्व सांसद सुखलाल कुशवाहा की जयंती के रूप में आयोजित था। कार्यक्रम में शामिल होने से पहले कमलनाथ एक होटल में मीडिया से रूबरू हुए। देसी विदेशी निवेश, बेरोजगारी पर प्रदेश सरकार और शिवराज सिंह पर जमकर निशाना साधा। बहुचर्चित सीडी कांड पर बोले, कहा, सीडी मैंने भी देखी है, मेरी 15 महीने की सरकार में वो नहीं चाहते थे कि मध्य प्रदेश बदनाम हो। इस कार्यक्रम के बाद उन्होंने आने वाले विधानसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पीसीसी चीफ कमलनाथ बीटीआई ग्राउंड में जयंती कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे, लेकिन कार्यक्रम के पहले एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश 5 राज्यों से घिरा होने के बावजूद देसी विदेशी निवेशक यहां नहीं आना चाहता है। प्रदेश में माफिया राज और अविश्वास के चलते प्रदेश में कोई निवेशक नहीं आ रहा है। 18 साल बाद अब शिवराज सिंह को समझ में आया है कि मुंह चलाने में और प्रदेश चलाने में कितना अंतर है। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित सीडी कांड के सवाल पर कमलनाथ ने कहा कि मैंने सीडी देखी है, उसमें सभी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। सार्वजनिक ना करने के सवाल पर कहा कि मैं नहीं चाहता था कि मध्य प्रदेश की बदनामी हो। मैं इस तरह की राजनीति नहीं करता और ना ही किसी के पीछे पड़ता हूँ। प्रदेश में भाजपा में सरकार है और सीडी की जांच हो रही है। कमलनाथ ने कहा कि जब तक शिवराज मेरी आलोचना ना कर ले और झूठ ना बोल ले, उनका खाना नहीं पचता। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमलनाथ को राम भी याद आए। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार ने राम वन गमन के लिए 200 करोड़ रुपए दिए थे, पैसे कहां गए, प्रदेश सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को सफल बताते हुए कहा कि मीडिया कवरेज ज्यादा ना दिखाने पर पत्रकारों की चुटकी लेते हुए कि मैं समझ सकता हूं कि आप लोगों की क्या मजबूरी है। गुटों में बटी कांग्रेस के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि एक परिवार का कोई ज्यादा नजदीक होता है तो कोई कम, इससे परिवार में बिखराव है, ऐसा सोचना गलत है। आगामी विधानसभा का चुनाव का शंखनाद करते हुए कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश की जनता सब कुछ समझ रही है, आने वाले चुनाव में प्रदेश के हालात को ध्यान में रखते हुए जनता मतदान करेगी। जो शिवराज सिंह बार बार बोलते हैं कि संबल योजना बंद करती थी, कमलनाथ जी ने, कोई भी कांग्रेस सरकार ने एक भी योजनाएं बंद नहीं। हमारे नेता ने जो संदेश प्रदेश के लिए पिछड़ा वर्ग के लिए दिया है, ये एक मील का पत्थर है। अब मैं अनुरोध करूंगा स्वर्गीय सुखलाल कुशवाहा, दाऊ साहब धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। सीडी है, सीडी मैंने भी देखी थी 15 महीने में जब अपनी सरकार थी, 2.5 महीने आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में गए, सीडी मैंने भी देखी। ये सीडी कई पत्रकारों ने, आपके साथियों ने भी देखी थी। आखिर ये फ्लोर पे आ क्यों नहीं रही? हाँ, ये सीडी फ्लोर पे आ क्यों नहीं रही? मैंने कहा था इसमें और इन्वेस्टिगेशन, और मैं नहीं चाहता था, ये बात भी मैं स्पष्ट कर दूं, मेरी राजनीति इस प्रकार की नहीं थी। मैं किसी के पीछे नहीं पड़ा, मैं नहीं चाहता था कि मध्य प्रदेश बदनाम हो, तो इसलिए मैंने कहा था इसकी और इंक्वायरी करिए, आप चेक करिए कि ये जेन्युइन है कि ये फर्जी है। और इसमें सब भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, उनकी 15 साल पुरानी थी की बात थी, 15 साल से उनकी सरकार चल रही थी, तो इसकी जांच चल रही थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, 2020 और 2022 विदेशी निवेश जो आया 18.8 लाख करोड़ और मध्य प्रदेश को कितना मिला? 0.3%। औद्योगिक नीति बना लेना बहुत आसान है, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बना लेना बहुत आसान है, पर उसका क्रियान्वयन तो हो। जब तक आपकी पहचान एक विश्वास की, एक फेथ की, इन्वेस्टमेंट इज एन आर्टिकल ऑफ फेथ। निवेश आता है विश्वास से, निवेश आता है फेथ से। अगर मध्य प्रदेश में किसी को विश्वास ना हो, निवेश नहीं आएगा। हेडलाइन न्यूज थी शिवराज का एक स्टेटमेंट कि भाषण से निवेश नहीं आएगा। 18 साल बाद शिवराज सिंह को ये बात सूझी कि मुंह चलाने में और प्रदेश चलाने में बहुत अंतर होता है। रामायण काल में भगवान राम का आगमन चित्रकूट से हुआ था,
राम गमन पथ। मुझे दुख है इस बात का कि ये 200 करोड़ रुपए कहाँ गए, इसका कोई हिसाब किताब नहीं, इसका आज कोई बजट नहीं। मैं निशाने में उनका खाना असर नहीं होता अगर वो दो चीज़ें ना करें, अगर वो कमलनाथ को की आलोचना ना करें और अगर वो झूठ ना बोले। मेरी कल राहुल सिंह जी से बात हुई, लगातार बात होती रहती है, ऐसा कोई पता नहीं है। हर परिवार में कोई किसी से ज़्यादा नज़दीक होता है, कोई कम नज़दीक होता है। बाप बेटी के ज़्यादा नज़दीक होता है, हाँ बेटा माँ के ज़्यादा नज़दीक होता है। कोई किसी से ज़्यादा नज़दीक होता है, कोई किसी से कम नज़दीक होता है। कि ये बट गई और ये विवाद हो गया, ऐसी कोई स्थिति नहीं। मैंने भारत जोड़ो यात्रा में, मैं मध्य प्रदेश में 14 दिन रहा उनके साथ, और जो उत्साह जो जोश मैंने देखा मैंने अपने राजनीतिक जीवन में नहीं देखा। और ये आप मीडिया वाले तो दिखाते नहीं, मैं जानता हूँ आपकी मजदूरियाँ हैं, मैं जानता हूँ। हाँ, वो तो राहुल जी भी कहते हैं भावी मुख्यमंत्री, आपके कार्यकर्ता लिख रहे हैं भावी मुख्यमंत्री। देखिए भावी मुख्यमंत्री की बात छोड़िए, पर भावी कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। 5 साल पहले 25% लोग सोशल मीडिया में जुड़े थे, आज 95% जुड़े हुए हैं। आज सबके पास पूरी समझदारी है, सबकी आंखें कान खुला हुआ है, मुंह बंद है। मुंह वो तब खोलेंगे जब वो मतदान करने जाएंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के पास केवल पुलिस, पैसा और प्रशासन बचा है। ये चित्र आज पूरे प्रदेश का है और मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है कि ये तस्वीर अपने सामने रख के 7-8 महीने में जो फैसला करना है, मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे।